नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। अभी मैं मौजूद हूं सासाराम के पोस्ट ऑफिस चौराहे पर और कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं कि मेरे पीछे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया जा रहा है, यानी कि पुतला फूका जा रहा है। और ये पुतला लोजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा पोस्ट ऑफिस चौराहे पर फूका जा रहा है। सीधा सीधी तौर पे मेरा इन लोगों से सवाल रहेगा कि ये पुतला रालोजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा क्यों यहाँ पे फूका जा रहा है। क्या नाम है आपका? प्रमोद कुमार मंटू, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जिला अध्यक्ष रोहतास। लोगों के द्वारा यहाँ पे पुतला दहन किया जा रहा है मुख्यमंत्री का, क्यों दहन किया जा रहा है? बिहार में जो दारू पी के शराब पी के 100 लोगों का मृत्यु हुआ है, उसमें मैं नीतीश कुमार से मांग करता हूँ कि आश्रितों को मुआवजा दिया जाए। और ये राज्यव्यापी जिला में पुतला दहन का कार्यक्रम आज रखा गया है माननीय मंत्री कैसे पशुपति कुमार पारस जी के द्वारा, और उसी के कार्यक्रम में हम लोग रोहतास जिला में बैठे हुए हैं जिला मुख्यालय पर। और बिहार में जो भी गिरती कानून व्यवस्था है उसके लिए हम लोग मांग करते हैं नीतीश जी या तो इस्तीफा दे दे, नहीं चल रहा है, उम्र का ढलान है, उम्र बहुत लास्ट चल रहा है इनका। इसलिए मैं मांग करता हूँ नीतीश जी से दो ही चीज करे, या तो शराब पूर्णतः बंद करा दे, नहीं तो पूर्ण रूप से चालू कर दिया जाए या बंद कर दिया जाए। क्या कहना चाहते हैं? लॉ एंड ऑर्डर और होम विभाग माननीय नीतीश कुमार जी के साथ, इसमें तेजस्वी जी का कहीं रोल नहीं है। तेजस्वी जी का ही पार्टी के माननीय सुधाकर जी हम लोग के बगल के हैं, उन्हें लगातार आरोप लगाया है। यहाँ तक कि जो विधान परिषद है, विधानसभा का भवन है, उसमें भी पकड़ा गया दारू का बोतल। अब एक बात समझ लीजिए कि दारू और भगवान दो चीज है। भगवान दिखाई नहीं देते हैं और दारू पीते हैं लोग, लेकिन दिखाई नहीं देते हैं। किसका काम है? होम लिस्ट किसके पास है? कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जो दारू पिएगा तो मरेगा ही, जहरीली शराब जो पिएगा वो मरेगा ही, दारू बंद है तो क्यों लोग शराब पी रहे हैं? मेरा स्पष्ट कहना है कि जो बहुत पहले, थोड़ा सा पहले पीछे जाइएगा तो माननीय नीतीश जी ने कहा था कि जो दारू बेच रहा है उसको 1 लाख रुपया देंगे। मेरा कहना है कि दारू बेचवाने के लिए आप 1 लाख रुपया दे रहे हैं, लेकिन जो पी रहा है, जो पीने से जहरीली मर रहा है जहरीली दारू से, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? उसके लिए कम से कम मुआवजा दीजिए। भागने से काम तो नहीं चलेगा। बिहार का आप मालिक बने, यहाँ पे पंचायत से लेकर प्रखंड स्तर तक, जिला स्तर तक, यहाँ तक राजधानी तक दारू बिक रहा है। आज देख लीजिए, नया भट्टी साहब ज्वाइन किए हैं, हर जगह दारू मिल रहा है, कहाँ से आ रहा है दारू? ये तो नीतीश सरकार फेलुअर है ना। क्या कहना चाहते हैं आप? लोगों के द्वारा पुतला दहन किया जा रहा है। बिल्कुल, बिहार में शराबबंदी जो कानून बनाया गया है वो शराबबंदी कानून फेल है, और बिहार के द्वारा शराबबंदी चरम सीमा पर है। गांव-गांव में, घर घर में दारू बिक रहा है, और नीतीश कुमार भली भांति जानते हैं कि गांव में घर घर में दारू बिक रहा है। इस कानून को निरस्त करने के काम किया जाए ताकि अब बिहार में दारूबंदी कहीं लागू नहीं है। इसलिए हम जितने भी देखे, भी छपरा में इतना बड़ा कांड हुआ, उस कांड में नीतीश कुमार ने कह दिया जो गंदा दारू पिएगा वो मरेगा। अरे नीतीश कुमार जी, आप ही ने कहा था कि गांव-गांव में भट्टी खुलवाए थे और आप ही ने ठीक है बंद कर दिया। जब आप ही कह रहे हैं कि जहर पी रहा है तो उस चीज को चालू कर दीजिए। लोग शराब पी, जहर कैसे पिएगा? उस चीज को आप चालू कीजिए, शराबबंदी को चालू कीजिए। साफ तौर पे आप लोगों का कहना है कि दारू को बिहार में चालू कर दिया, चालू कर दिया जाए। बिल्कुल साफ तौर पर चालू कर दिया जाए। इसमें नीतीश कुमार जी फेल है, सरकार फेल है, विपक्ष जो कह रहे हो बिल्कुल सही कह रहा है, हम लोग बिल्कुल जायज बात कर रहे हैं कि नहीं, फेल है ये कानून, सारी जगह फेल है, पूरे बिहार में फेल है। इसको क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू पासवान है, युवा लोक जनशक्ति जिला अध्यक्ष। मेरा नाम राजेंद्र पासवान है, मैं रालोजपा का राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का जिला प्रवक्ता मीडिया प्रभारी हूँ। आज राज्यव्यापी हमारे पार्टी की ओर से पूरे बिहार के जिला मुख्यालय में यह कार्यक्रम चल रहा है, मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया जा रहा है, इसलिए कि बिहार में गिरती हुई विधि व्यवस्था और जहरीली शराब पीने से सैकड़ों लोगों की मौत पर सरकार के करिंदे ने सैकड़ों लोगों को लाश को छिपा दिया, पोस्टमार्टम कुछ लोगों को नहीं कराया। ये बहुत बड़ी सवालिया निशान है सरकार पर मेरी ओर से कि उन्होंने लाश बहुत छिपाया, सामने आने दिया और सैकड़ों शव को पोस्टमार्टम सरकार ने एक साजिश के तहत करने नहीं दिया। दूसरी बात कि सरकार से मैं श्वेत पत्र जारी करने का मांग करता हूँ। इसके पहले सरकार ने शराब पीकर मरने वाले को मुआवजा दिया है, अब क्यों नहीं? यही सरकार, नीतीश सरकार ने शराब पीकर मरने वाले को मुआवजा दिया है, अब क्यों नहीं? इस पर सरकार जवाब दे। नीतीश कुमार तो भी कह रहे हैं जो शराब बिहार में बंदी किया गया है, पिएंगे तो लोग मरेंगे ही। नीतीश कुमार कल ये शराब
स्कूल के पिछवाड़ा तक बिछवाने का काम किया, आदत तो लगा दिया। अब आदत लगवाने के बाद में कह रहा है कि छोड़ दीजिए, सारा खेल नीतीश कुमार का है, अपने सत्ता को बरकरार रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तो दारू को पूर्ण रूप से बिहार में चालू करा देना चाहिए, इसके बंद, इसके जब इसमें बंद करने में ही सफल नहीं हो रहा है, इसको चालू करा देना चाहिए। ठीक है, क्या नाम है आपका? राजेंद्र पासवान। जैसे कि अभी आपने रालोसपा के कार्यकर्ताओं से सुना, सीधा सीधी लोगों में आक्रोश है और इन लोगों का कहना है कि बिहार में कहीं भी शराब बंद नहीं है, ये पूर्ण रूप से शराब कभी भी बंद नहीं हो सकता है। और देख सकते हैं कि उसी के आक्रोश में रालोसपा कार्यकर्ताओं के द्वारा यहाँ उन लोगों का सीधा सीधी तौर पे कहना है कि 2016 में नीतीश कुमार के द्वारा शराब को पूर्ण रूप से बंद किया गया था, मगर बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। आए दिन लगातार बिहार में शराब, जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हो रही है। इसी के वजह से इन लोगों के द्वारा यहाँ पे सासाराम के पोस्ट ऑफिस चौराहे पर पुतला दहन किया जा रहा है और मुख्यमंत्री का पुतला फूंका जा रहा है। और उन लोगों का कहना है कि पूरे बिहार में हर चौक चौराहे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला जलाया जा रहा है। लगातार आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं मीडिया दर्शन से सोनू कुमार, धन्यवाद।